नमस्कार दोस्तों, आज हमारा चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जोश एवं जज्बे को सलाम करता है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायक एवं आजादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले इस महानायक का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी एक अमीर हिंदू बंगाली परिवार से थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी एवं पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। पत्नी का नाम एमिली एवं एकमात्र बेटी का नाम अनीता बोस था। नेताजी देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किया। इन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम होम कर दी थी। वे एक बहादुर एवं महत्वाकांक्षी भारतीय युवा थे जिसने सफलतापूर्वक ICS परीक्षा पास होने के बावजूद अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार हिंसात्मक आंदोलन में लड़ते रहे। उनका मानना था कि भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए गांधी जी की अहिंसक नीति सक्षम नहीं है। अंततः उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली आजाद हिंद फौज बनाई। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ वो अभी भी जिंदा हैं। भारतीय इतिहास में नेताजी का कार्य और महान योगदान अविस्मरणीय वृतांत के रूप में रहेगा। और अब अंत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी को फिर से सशस्त्र नमन। जय हिंद।